वेलकम बैक टू द टू स्वीट शो माय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जिस गेम का रिव्यू लेके आया हूं ना, वो लिटरली परफेक्शन है और आप इसे परफेक्ट कह सकते हैं विदाउट एनी होल्डिंग बैक। उस गेम का नाम है फोर्ज़ा होराइज़न 5। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं कि क्यों इस गेम को सिर्फ पॉजिटिव रिसेप्शन मिल रही है, व्हाई इट्स बीइंग प्रेज्ड सो मच और कैसे ये एक्सबॉक्स स्टूडियोज की बिगेस्ट लॉन्च एवर बन गई। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे ना, वो है विजुअल्स, जो लेजिटिमेटली जॉ ड्रॉपिंग है। और मुझे लगता था कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 वाला ग्राफिकल स्टैंडर्ड मुश्किल ही कहीं देखने को मिलेगा। ये गेम उसी टीयर के विजुअल्स ऑफर करती है एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली डिटेल्ड है फॉर एन ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम। रिफ्लेक्शंस बहुत ही प्यारी हैं, हालांकि रे ट्रेसिंग इस गेम में नहीं है फॉर द सीरीज कंसोल्स। डस्ट पार्टिकल्स, कोलिजन इफेक्ट्स, टेक्सचर्स, कार्स देमसेल्व्स और फिर एनवायरनमेंट्स, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो तो मतलब मैग्निफिसेंट लेवल्स पर है। स्काई पूरी रियल टाइम में रिकॉर्ड की गई थी और कितना एरिया इस गेम का रियल फुटेज पर बेस्ड है। प्लेग्राउंड गेम्स ने ये तक कहा था कि जो कैक्टस की नीडल्स है ना, वो तक वेल क्राफ्टेड हैं और ग्रेटली डिटेल्ड है। मतलब इतनी जान लगाई है इन्होंने इस गेम को बनाने में, वो आपको गेम को बूट अप करते ही पहले कुछ फ्यू मिनट्स में ड्राइव करके पता चल जाता है। मेरा सारा गेम प्ले एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का है और मैं ये भी बता दूं कि मेरा फुटेज बिल्कुल भी जस्टिस नहीं देगा असल गेम प्ले को, क्योंकि ये इनबिल्ट डीवीआर है जो इतना अच्छा नहीं होता। क्वालिटी डाउनग्रेड होगी बट आई एम रियली ब्लोन अवे। परफॉर्मेंस मोड मेरा गो टू होता है क्योंकि वो 60 fps देता है। इधर वी हैव 4k 60 fps इन परफॉर्मेंस मोड एंड 4k 30 fps इन क्वालिटी मोड। और ये वो वाइड गेम है जिसमें मुझे सिर्फ क्वालिटी मोड पर खेलने का मजा आ रहा है। अनरियल विजुअल्स हैं और दूसरा इसका मोशन ब्लर और बिल्ड ऐसी है कि आपको फील नहीं होता। हाँ, मजा तो 60 fps का अपनी जगह है, लेकिन क्वालिटी मोड टेक्स द केक हियर बिग टाइम। फोर्ज़ा होराइज़न 5 है मेक्सिको में बेस्ड, जो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है क्योंकि यूजुअली हमें कुछ फेमिलियर लोकेशन से हटकर ज्यादा डिफरेंट सेटिंग्स नहीं मिलती। और मेक्सिको के लिए दिस इज अ गेम दैट डज अ लॉट। एक तो बड़ी ही प्यारी और पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे की गई है द रियल साइड ऑफ मेक्सिको। इस मुल्क की खूबसूरती और जो लोकेशंस हैं उनको हाईलाइट किया गया एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग जो हॉलीवुड करता है कि वो पीला सा फिल्टर और कार्टेल स्टोरीज काफी हो गया मेरे ख्याल से, तो ऐसी डिपिक्शन देखना मेक्सिको की बहुत दिल खुश हुआ है मेरा। गेम ओपन होती है बड़े मेगा किस्म के एक्सपेंस पे, आपको 4 डिफरेंट लोकेशंस 4 डिफरेंट गाड़ियों में दिखाई जाती हैं जो हाईली एंजॉयबल है। इस इंट्रोडक्शन को खेलने में बड़े-बड़े हीर किस्म के हॉलीवुड स्केल वाले सीन्स और मोमेंट्स आते हैं। ये गेम का बेसिकली शो केस है कि क्या कुछ पॉसिबल है अब इस जनरेशन की हार्डवेयर में और सीरीज कंसोल पे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, डिस्पाइट द इंट्रो सीक्वेंस बॉम्ब लेवल का था, आगे आगे गेम में जब आप बढ़ते हैं ना तो और भी जबरदस्त चीजें आती हैं। स्टोरी वाइज हम फोर्ज़ा होराइज़न 4 से पिकअप करते हैं। आप सेम रेसर हैं लेकिन फुली कस्टमाइजेबल। और वो सीन नहीं है कि आपने पॉपुलैरिटी गेन करनी है, एक स्टेटस बनाना है, अब आपको डायरेक्ट एक्शन मिलता है इन मेक्सिको तो फोर्ज़ा होराइज़न में। वन ऑफ द थिंग्स आई लव इज द फैक्ट कि आपको खुला फ्रीडम दिया जाता है द मोमेंट आप इंट्रो सीक्वेंस को खत्म कर लेते हैं। जिधर मर्जी जाएं उसके बाद जो मर्जी करें, एक्सप्लोरेशन से एरियाज डिस्कवर करना, स्पेशल फाइंड्स इस गेम में भी प्रेजेंट हैं, एक्सपी साइंस ढूंढें, क्रूज करें, कोई लिमिट्स नहीं है। ये सब नहीं करना तो कैंपेन पर आ जाए। होराइज़न फेस्टिवल का एक ही गोल है और वो है आपको खुश करना। लाइक दिस गेम आपको फुल टाइम एंजॉय करें and it's just here to offer you a happy good time, even agar aap car fan nahi bhi hain ya car enthusiast nahi bhi। लीनियर सीन नहीं है, इंस्टेड एकोलिड सिस्टम है जिधर आपने रेसेस और एक्टिविटीज के थ्रू एकोलिड्स अर्न करने होते हैं ताकि आप मजीद रेसेस और एक्टिविटीज अनलॉक कर लें, आप प्रोग्रेस करें। मैप के अंदर आपके पास बायोम्स हैं जिसमें एरियाज डिवाइडेड हैं, जैसे बाहा, वाइल्ड्स, एपेक्स, वाइल्डलैंड्स एंड मोर। यूजुअल रेसिंग तो टिपिकल होराइज़न फैशन में मजेदार है ही, एक्सपेडिशंस मेरी फेवरेट्स में से एक है क्योंकि वो जैसे अनफोल्ड होती हैं जिन लोकेशंस में हम जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स हैं या फिर वॉल्केनिक साइट्स हैं या किसी ट्रेन से रेस करना, इवन मॉन्स्टर ट्रक आ जाता है तो मजा ही आ जाता है खेलने का। लाइक इट्स सो फन, इट्स सो थ्रिलिंग, प्रॉपर एक्सप्लोरर एडवेंचरर वाली वाइब्स आ जाती हैं। थिंग्स दैट यू कांट डू इन रियल लाइफ, जो आप ड्रीम करते हैं, जो आप यू नो इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर थॉट्स, वो आप फोर्ज़ा होराइज़न में कर सकते हैं। अगेन, एक्सपेक्टेशंस गो टू शोकेस हैं व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ होराइज़न इज ऑल अबाउट। ये भी याद रखें कि ये गेम नेक्स्ट जेन एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि क्रॉस जेन गेम है, पर उसके बावजूद इट लुक्स फैंटास्टिक। मतलब ये चीज मुझे खुश तो करती है लेकिन मुझे और ज्यादा एक्साइटेड भी कर देती है ओवर व्हाट फेबल विल बी लाइक। प्लेग्राउंड गेम्स ही उसको भी बना रहे हैं एंड इट्स नेक्स्ट जेन ओनली गेम। गेम तो मैंने खेली है काफी ज्यादा टाइम, मैंने फोटो मोड पे भी लगाया है क्योंकि ये गेम रिडिकुलसली गुड लुकिंग है। मतलब आप ये फोटोज देख के खुद जज कर सकते हैं। आई एम नॉट द बेस्ट गाय व्हेन इट कम्स टू फोटो मोड, बट फोटो मोड मजेदार, मजा आ जाता।
फोर्ज़ा होराइज़न 5 में फ्रेंचाइज हिस्ट्री का सबसे बड़ा कार रोस्टर है, बड़ी वाइड वैरायटी है, वंडर व्हीकल्स भी हैं, जैसे डिलोरियन हो गई, मैंने प्रीमियम पास खरीदा था जिससे मुझे अर्ली एक्सेस मिल गई थी, मल्टीपल कार्स भी मिली थी, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। खूब सारे ऑप्शंस हैं, साउंड डिजाइन में प्लेग्राउंड ने काफी मेहनत करके हर गाड़ी को अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट साउंड दी है जो एड अप करती है फॉर अ बिगर पिक्चर। फिर कार एंथुसियास्ट के लिए गुड न्यूज इज के लाइक ऑलवेज एक फुल डेप्थ वाला क्रेजी किस्म का कस्टमाइजेशन स्वीट भी है जिसमें ढेर सारे ऑप्शन है, रिम से लेकर पता नहीं आप क्या कुछ कर सकते हैं, गाड़ी को फाइन ट्यून कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ट्वीक कर सकते हैं। लाइक अगेन, आई एम नॉट अ कार एंथुसियास्ट, तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बट देयर आर मेनी मेनी लेयर्स टू द कार कस्टमाइजेशन ऑप्शन टैब। अगर तो कॉन्स की बात करें ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत दिमाग लड़ाया, बहुत जोर से सोचा, मुझे पर्सनली कॉन्स कुछ ज्यादा नहीं लगे। दिस इज अ टिपिकल गो टू फील गुड काइंड ऑफ अ गेम, इट्स एन ओपन वर्ल्ड रेसर, आर्केड का भी मिक्स है इसके अंदर, बड़े मजे का एक टिपिकल फोर्ज़ा फैशन में इन्होंने कंटिन्यू किया, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फोर्ज़ा that we've ever gotten from playground games. अगर एक कॉन की बात करें बहुत specifically, तो Horizon server से connect होना थोड़ी बहुत annoyance हो जाती है, लेकिन to my surprise, इसके अलावा मुझे कोई खामी या बुराई नहीं नजर आई। Voice acting भी बुरी नहीं है, जिसका मुझे थोड़ा सा ख्याल था, क्योंकि इस दफा आपका एक protagonist है, आपके पास एक proper voiced story है, there's a lot of conversations, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो cringy या वो borderline थोड़ा सा जो गंदा मंदा सा सीन नहीं होता robotics सा वो है, but I'm very glad it's decent. It's not the best, it's not the most perfect, but possible, enjoyable. So my friends, mera verdict ye hai ki Forza Horizon 5 is a perfect game and I absolutely recommend it. Aur sabse achhi baat ye hai ki aapko full price bhi nahi dene ki zarurat, aap Game Pass subscribe kar sakte hain, which is also on PC. Hundreds of games to play including Forza Horizon 5 and the upcoming Halo Infinite as well on day 1. To bahut zyada value aa jati hai. Agar aap naye subscriber hain to wo aapko $1 ka milega Game Pass Ultimate, which is also for PC and Xbox consoles. Aap isko cloud stream bhi kar sakte hain. To there are many ways to play Forza Horizon 5. So yeah, I had a fun time with this game, और जितनी मेरी expectations थी, जितनी मेरी जो भी मैं इससे expect कर रहा था, it went above them. Like, बातें तो सुनने को हमें गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी मिलती हैं, स्पेशली जब कोई ट्रिपल ए टाइटल आ रहा हो, वो भी किसी कंसोल का एक्सक्लूसिव आ रहा हो, तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, यू नो, दे क्रिएट ऑल दिस हाइप. दिस गेम आई एम सो ग्लैड डिलीवर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में ये कितनी खेली जा रही है. लाइक एक ग्रुप है PPG के नाम से, पाकिस्तानी PC गेमर्स, उस पर वन Forza Horizon केम आउट, सारा दिन उसकी पोस्ट चलती रही थी, कोई फोटोज डाल रहे हैं, कोई गेम प्ले डाल रहे हैं, यू नो, पीपल टॉकिंग अबाउट द गेम, ट्विटर जस्ट एक्सप्लोडेड विद पॉजिटिविटी. सो आई वॉज रियली हैप्पी कि लोग जो है दे आर हैविंग अ गुड टाइम विद द गेम, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट गेम. इन टाइम्स में इतनी फिनिश्ड, इतनी परफेक्ट, इतनी पॉलिश्ड गेम मिलना तो दिल है जी खुश हो जाता. तो या रियली हैप्पी, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड, एंड दिस रैप्स अप अ रिव्यू ऑफ Forza Horizon 5. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. लेट मी नो योर थॉट्स, डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री. अगर आपके पास कुछ फीडबैक है, इफ यू थिंक आई डिड अ लिटिल रॉन्ग और डिड समथिंग रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो, इट हेल्प्स मी इंप्रूव माई कॉन्टेंट. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर द वर्ड विद योर फ्रेंड्स, एंड या आई विल कैच यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वन. अंटिल नेक्स्ट टाइम.